साहब और सुफियान अब्बास साहब, इनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतना किया। और खास तौर पे मैं एक खुसूसी शुक्रिया अदा करूंगा महबूब वर्ल्ड ट्रेवल वालों का, जिन्होंने रौनक बढ़ाई, उम्रे का टिकट दिया और हमारे साथ हमेशा ताबून करते हैं। रात के 12 बजे भी कोई टेलीफोन करे कि मेरे साथ इमरजेंसी हो गई है, महबूब साहब मुझे टिकट चाहिए, वो आधा घंटा नहीं लगेगा आपके कंप्यूटर से टिकट आ जाए और पैसे भी आप एक हफ्ते के बाद दे दें। वो कहते हैं जी ठीक है, इमरजेंसी आपकी आप ले लें, लेकिन ईमानदारी से पैसे दे दीजिए। ये है कि उनके साथ अगर आप ताबून करें और उनसे टिकट लें। ये मैंने देखा है कि मुगल साहब हंस रहे हैं, लेकिन इनका काम ऐसे हुआ था, इन पे एक बहुत इमरजेंसी आई थी, बहुत परेशान थे, इन्होंने टेलीफोन किया नईम रजा कादरी साहब को, 10 मिनट के अंदर इनका टिकट पहुंच गया। ऐसे लोगों का बेइंतहा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बुरे वक्तों में काम आते और अच्छे वक्तों में भी काम आते। मैं खसूसी तौर पर अलमदीना सेंटर वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि कादरी साहब तशरीफ लाए। और अब मैं जिनका शुक्रिया अदा करने जा रहा हूँ, वो तीन बहुत खसूसी शख्सियत हैं ऑस्ट्रिया के अंदर, और मैं समझता हूँ कि इनके बगैर ऑस्ट्रिया में जो सियासत चलती है वो नहीं चल सकती, जो तस्वीरें लगती हैं वो तस्वीरें नहीं लग सकती, और जो खबरें लिखी जाती हैं वो खबरें नहीं लिखी जा सकती। और भाई वो ही बात है कि बाज मरतबा तो खबरें भी ऐसी होती हैं जिनका हमें सुबह खुलते हैं ना, तो हमें पता लगे कि हमारी खबर है। बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं जनाब गौरी साहब का, जनाब मोहम्मद अकरम बाजवा साहब का और नासिर बशीर साहब का। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ तशरीफ लेके आए, हम उन्हें एक छोटा सा हदिया पेश करना चाहते हैं तीनों हजरात को। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये है कि ये हम अपने दिल से इन तीनों हजरात को पेश करेंगे। नासिर बशीर साहब हमारे सबसे सीनियर आदमी हैं और ऑस्ट्रिया के अंदर इन्होंने सहाफत का शुरू किया है। ये पहले बंदे थे जिन्होंने सहाफी होने का पूरा पूरा हक था। उसके बाद इन्होंने लेकिन कुछ वजूहत के नाम पर वो लैबरी हो गई, अभी उनका अपना अखबार है। नासिर बशीर साहब बाबा ए सहाफत और जीवे मिलत के एडिटर और बानी। पिछले लोग तुम्हें देख रहे हैं जनाब इकबाल गौरी साहब, इनकी बड़ी हमारे साथ ताउन है, बड़ी खिदमात है, और इनको खबर भेजें नईम साहब 5 मिनट के अंदर खबर लग जाती है, क्योंकि इनका अपना अखबार है, इन्होंने तो सिर्फ उंगली फेरनी है और वो खबर आ जाए। बहुत शुक्रिया जनाब इकबाल गौरी साहब। अब जो शख्सियत हमारे सामने आ रही है वो वियाना के अंदर काफी पॉपुलर, माशाल्लाह सभी जानते हैं और बाद के तो अक्सर ख्वाब में भी आते होंगे कि कोई खबर ही बहुत सुबह ना लगी हो। जनाब मोहम्मद अकरम बाजवा साहब, माशाल्लाह नारायण पाक हुजूर पाक की तरफ से है, और ये बहुत बड़ा तोहफा है, इसको छोटा तोहफा ना समझा जाए, क्योंकि हमने ये दिल से और मोहब्बत से इन तीनों